दोस्तों आज हम आपके लिए इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसमें हमारे 90% तक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो आप अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग आते हैं अपना बड़ा बड़ा लॉसेस करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको हर बार सजेस्ट करता हूँ, हर बार बोलता हूँ, अपनी हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला होगा, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि विदाउट स्ट्रेटजी कभी भी आप ऑप्शन में ट्रेड मत करिए, क्योंकि ये जितना हमें इजी लगता है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए रिस्की होता है, उतना ही हमारे कैपिटल को एक खाता है, ठीक है। तो आप कभी भी अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी आप विदाउट एनी स्ट्रेटजी अप्लाई मत करिए, ठीक है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, कॉल बाय कर लिया हमने, पुट बाय कर लिया, या अगर सेल करते हो आप तो आपने सीधा क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर आप उसको स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, उसको स्ट्रेटजी के साथ डेवलप करेंगे, अगर मान लीजिए आपने मार्केट में आज 50,000 रुपये डिप्लॉय करे हैं और अगर आपकी सडनली मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, मान लीजिए आपने पुट बाय की है और वो आपकी कॉल साइड जाने लगती है, तो आप क्या करते हो, अपने उस लॉस को होल्ड करके रखते हो, उसको कट नहीं करते हो, ठीक है, इसी तरीके से करते हो। लेकिन हम जो आपको स्ट्रेटजी बताते हैं उसमें अगर आपकी मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाने लगती है तो आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा जितना आप नेक्ड पुट बाय या फिर कॉल बाय करते हैं उसमें जितना दिखाता है। ये बातें दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, हमें कॉल ऑप्शन अगर हम नेक्ड बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसमें हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेटजीज पे काम नहीं करते हो, उसको कभी अप्लाई नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि उसमें हमारा प्रॉफिट कम होता है, बस एक यही एक रीज़न है। और जो हम नेक्ड कॉल बाय कर लेते हैं उसमें अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन जब हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा लॉस भी उतनी ही तेज़ी से वो दिखाता है, और फिर जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता जाता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर आप साइकोलॉजिकल ट्रेड करने लगते हो, उसको वेट करते हो, सोचते हो कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्सल आएगा और मेरे फेवर में जाएगा, तो बस यही सोच के आप अपने ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हो, वहाँ पे आपका सारा का सारा पैसा लॉस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कभी भी विदाउट स्ट्रेटजी आप कभी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करिए। तो बस यही एक स्ट्रेटजी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो जो छोटा छोटा आप डेली पैसा बना रहे हो अपना या वीकली बेसिस पे बना रहे हो, तो एक टाइम आप देखोगे वो आपका जो छोटा सा अमाउंट है आपने जो अभी मार्केट में डिप्लॉय किया हुआ है, सपोज आपने 1,00,000 रुपये यहाँ पे मार्केट में लगाया, आफ्टर 1 ईयर अगर आप उसको देखोगे तो वही आपका डबल हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप बैंक्स में या FD कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, 1 साल के अंदर आपका कौन पैसा डबल करके देगा? लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी थिंकिंग कुछ और लेके आते हैं, यहाँ पे आप रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, नेक्ड कॉल बाय कर लेते हो या सेल कर देते हो, जो भी करते हो वो कर लेते हो कि मैंने मार्केट में पैसा लगाया, मेरा ये कल तक या परसों तक इतना बढ़ जाएगा, मैं तो यहाँ पे लखपति बन जाऊँगा। ये आप गैम्बलिंग करते हो दोस्तों, ये आप जुआ खेल रहे हो। तो इस तरीके की ट्रेडिंग को आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो या फिर आपका लॉस हो रहा है, तो जिस तरीके से मैं अगर आपको ट्रेडिंग करना बताता हूँ, जिस तरीके से सिखाता हूँ, उस तरीके से करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, श्योर प्रॉफिट होगा, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसको नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 1,00,000 रुपये आज लगा रहे हो तो वो 1 साल के बाद आपका डबल हो जाएगा, इतना मैं गारंटेड आपको कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपये लेके आए मार्केट के अंदर और यहाँ पे आपने क्या करा, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया या पुट ऑप्शन बाय कर लिया, वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, तो सारा का सारा आपका उड़ जाता है, इवन उड़ भी चुका होगा या उड़ भी रहा होगा, ये मेरे को अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, मैंने भी खुद लॉस किया है। ये सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद फिर जब मैं स्ट्रेटजीज़ में आया, जब मैंने वो अप्लाई करनी स्टार्ट की, तो वहाँ पे मेरे को दिखा कि हाँ, इसमें प्रॉफिट तो होता है लेकिन हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो तब मेरे को समझ आई कि लोग इसको स्ट्रेटजीज़ में क्यों अप्लाई नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक लॉट से काम करते हैं स्ट्रेटजी के अंदर, तो यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनता है जितना हमें चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों आप इंट्राडे के लिए मत सोचिए कि इंट्राडे में मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप इसको 1 महीना, 6 महीना, 1 साल भर के लिए आप टेस्ट करके देखो, बैक टेस्ट करो या फिर आप अप्लाई करके देखो, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ उसमें आपको श्योर प्रॉफिट होगा ही होगा।
तो बस दोस्तों मेरा एक मोटिव यही है कि आप लोग अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो विदाउट स्ट्रेटजी कभी भी ऑप्शन में ट्रेड मत करो, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। आपका पैसा इतनी मेहनत का होता है, इतनी मेहनत से कमाया जाता है, आप उसको चंद मिनटों में, चंद घंटों में, दो दिन, हफ्ते भर के अंदर सारा का सारा, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, सारा का सारा डुबा देते हो, बस इसीलिए कि जो हमारा प्रीवियस लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के चक्कर में आप अपना सारा पैसा लॉस कर देते हो। तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो मैं कुछ आपसे नहीं, मेरे को ना ही आपसे कुछ लेना है ना ही आपको कुछ देना है, बस मैं आपको सलाह दे सकता हूं दोस्तों, आपका सारा लॉस ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो भी आपके लॉसेज हुए धीरे धीरे रिकवर होंगे, उसको आप इंस्टेंट करने की कोशिश मत करो। इंस्टेंट करने की कोशिश करोगे तो वो आपका जो लेके आए हो अमाउंट वो भी आपका सारा चला जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आप लॉस रिकवरी की अभी छोड़ ही दो, भूले जाओ, आप पहले 1 साल तक किसी भी कोई भी एक स्ट्रेटजी पे रेगुलर बेसिस पे काम करो। ऐसा भी नहीं कि आज आपने ये स्ट्रेटजी लगाई तो इसमें आपको लॉस हो गया, फिर आप नेक्स्ट डे देख रहे हो कि ये वाली दूसरी स्ट्रेटजी लगा के देखते हैं, इस तरीके से भी नहीं करना है। आपको कोई एक स्ट्रेटजी देखनी है अपनी और उसी को फॉलो करके चलना है, ठीक है। काफ़ी सारी स्ट्रेटजी दोस्तों मैंने दिखाई हुई है, अगर मैंने हर तरीके की स्ट्रेटजी आपको दिखाई है, अगर हमारी मार्केट बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज है तो आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस चैनल पे दिखाते रहता हूँ। आप अगर देखोगे तो मैंने हर एक मार्केट की कंडीशन में आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाया कि मार्केट किस किस तरीके से बिहेव करती है। तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड भी हमें दिखाया, बियरिश भी दिखाया और साइडवेज भी काफ़ी टाइम तक रही, तो हमने उसमें आपको बताया कि अगर आपकी बियरिश है या बुलिश है तो आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। तो उस तरीके से पहले आप अपने चार्ट्स पे जाइए, वहाँ पे एनालिसिस कीजिए, कुछ तो आप देखते होंगे ट्रेड लेने से पहले, या इस तरीके से रैंडम ट्रेड ले लेते हो। इस तरीके से कभी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले आपको अपने लेवल्स क्रिएट करने चाहिए, ट्रेंड देखना चाहिए, मार्केट बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, तो जो भी आपका ट्रेंड होगा उस हिसाब से आप मार्केट में स्ट्रेटजीज फॉलो कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम रेगुलर बेसिस पे पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस वाली स्ट्रेटजी को रेगुलर बेसिस पे लगाओगे तो 90% तक आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन कोई इंट्राडे या वीकली बेसिस पे नहीं। आप इसको अगर आप 1 साल तक देखोगे, 1 साल तक करने के बाद देखोगे या 6 महीने करने के बाद देखोगे, तब आपको पता लगेगा हाँ आई एम इन प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी का पीएनएल देख के खुद को उनकी तरह बनाने की कोशिश मत करो, आप सिंपली अपना स्ट्रेटजीज फॉलो करते रहो, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो दोस्तों एक बार चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे हम आपको एक जो हमने स्ट्रेटजी अपनी बनाई है उसको हम बैक टेस्ट भी करके दिखाएंगे और एक बार आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वो हमारी काम करती है, किस मार्केट की ट्रेंड में हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पे एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से आप समझ लेना और जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद सीधा हम दोनों का बैक टेस्ट करके देखते हैं। अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसका बैक टेस्ट करके देखेंगे, जुलाई मंथ का पूरा 1 महीने का हम बैक टेस्ट करके देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हम स्ट्रेटजी कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, अपना बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी होगी ये क्या होगी, ये कोई साइडवेज नहीं है, ये साइडवेज नहीं है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इसमें हमारा नो व्यू, कोई व्यू है ही नहीं, हमें पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। अगर इसमें साइडवेज मार्केट रहती है तो हमारे लॉस होने के चांसेस है। देखो दोस्तों स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप बनाओगे उसमें लॉसेज होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े लॉस नहीं होंगे कि उनको हम आगे रिकवर ना कर पाए, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे, मंथ के एंड में देखोगे या फिर 6 महीने के एंड में देखोगे या फिर साल के एंड में देखोगे, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मैं आपको अपनी हर स्ट्रेटजी में यही चीज़ सिखाता हूँ दोस्तों, स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी एक स्ट्रेटजी आप पकड़ के काम करो और उसी में रेगुलर बेसिस पे अगर काम करोगे तो आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजीज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम होता है अकॉर्डिंग टू अगर आप नेक्ड बाय या सेल करते हो, लेकिन आपको पता होगा इन दोनों में से रिस्क किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेटजी में हमारा डिफाइंड रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन जो हम ये नेक्ड बाय या सेल करते हैं इसमें हमारा अनडिफाइंड रिस्क होता है। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी आप कभी भी स्ट्रेटजीज में ट्रेडिंग नहीं करते हो, यही तो कमी है बस। इसमें क्या है, हमारा सबसे एक ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि इसमें हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है। प्रॉफिट का अमाउंट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चांसेस नहीं, चांसेस तो यहाँ आप इसको रेगुलर बेसिस पे करो। ऐसा नहीं है कि आपको 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते के अंदर प्रॉफिट ही हो,
ऐसा होगा कभी 3 के अंदर आपको प्रॉफिट हो गया, 1 में लॉस हो गया, कभी 2 में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हो गया, कभी 1 में प्रॉफिट हुआ आपका, 3 में लॉस हो गया। तो हर तरीके की कंडीशन होती है, लेकिन आपको इसको जज करना है दोस्तों ईयरली बेसिस पे, ठीक है। आप इसको रेगुलर अप्लाई करो, 6 महीने तक अप्लाई करो, और फिर आप देख के मेरे को बताओ कि हाँ स्ट्रेटेजीज में पैसा बनता है, लेकिन धीरे धीरे बनता है और हमारा सेफ बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेटजीज के बिना आप ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है। तो ये है। अब तीसरा इसमें पॉइंट क्या हो गया, एक तो हमारा ये बैंक निफ्टी के अंदर अप्लाई करना है, एक हमारा ये नो व्यू है, कोई हमारा व्यू नहीं, हमें पता नहीं मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें अगर ऊपर गई तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे गई तो भी प्रॉफिट होगा, बस साइडवेज रहेगी तो यहाँ पे हमारा लॉस होने के चांसेस हैं। और वो लॉस भी कितने दोस्तों, यहाँ पे रेशियो अगर मैं आपको बताऊं, हमारा 8:1 का यहाँ पे रेशियो है, मतलब ये हमारा 8 प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, ठीक है। अगर साइडवेज रही मार्केट तो यहाँ पे हमारा 2 आप लेके चल सकते हैं, 8:2 यहाँ पे हमारा लॉस होने के चांस है अगर बैंक, अगर हमारी मार्केट साइडवेज रही तो। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये हमें दो अकाउंट्स में अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका भी मैं अभी रीजन आपको बता दूंगा, हम 2 में क्यों अप्लाई करेंगे, 1 में क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। दो अकाउंट्स में हमें ये अप्लाई करनी है, मतलब आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, ये स्ट्रेटजी हमें वीकली बेसिस पे लगानी है, इसको हम मंथली नहीं लगा के चलेंगे, इसको हम वीकली बेसिस पे लगा के चलेंगे। हफ्ते की हम एक एक हफ्ते की पोजिशन यहाँ पे बनाएंगे, और अब हम इसका आपको बैक टेस्ट करके दिखा देते हैं और क्या स्ट्रेटजी है वो, जब हम आपको यहाँ पे अपनी पोजिशन बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए समझिए और इसको अप्लाई करिए मार्केट के अंदर, और मुझे बताइए प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। जब हो जाए प्रॉफिट तभी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, अगर लॉस हो जाए तो भी आप मेरे को बताइए। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि एक हफ्ते के अंदर मेरा जी ये लॉस हो गया, आपको ये बताना है कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ, आपको मेरे को ये बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई कर लिया। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 अपने मान लीजिए अकाउंट ओपन किए हुए, ये 2 मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। हम दोनों में ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट डीमेट अकाउंट है, ये मेरा सेकंड डीमेट अकाउंट है, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, दोनों को अलग अलग सेम स्ट्रेटजी लगाएंगे, इस तरफ भी और सेम इस तरफ भी लगाएंगे, लेकिन हमारा व्यू इस वाली में मान लीजिए हम बुलिश के लिए लगाते हैं, इधर वाली हम लगाएंगे बियरिश के लिए। 2 डीमेट अकाउंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, एक हमें अपना बियरिश के लगानी है और दूसरी वाली में लगानी, सेम स्ट्रेटजी लगाएंगे बियरिश के लिए, एक बुलिश के लिए लगाएंगे एक बियरिश के लिए लगाएंगे। अब वो क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, एक बार ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर हो गया, अब इसका हम साथ के साथ बैक टेस्ट भी करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना ये 3 जुलाई, हम इस 3 जुलाई को सिलेक्ट करेंगे अपना कब के लिए, 6 तारीख के लिए, थर्सडे हमारा एक्सपायरी डे है, तो 3 को हम अप्लाई करेंगे इसको 6 तारीख के लिए। फिर हम 7 को अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा एक्सपायरी डे होगा उसके नेक्स्ट डे अप्लाई करेंगे, कब के लिए, अगली 13 तारीख के लिए। इस तरीके से हम दोनों अकाउंट्स में एक बाय वन बाय वन इसमें टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले में बना लेते हैं, ये जो फर्स्ट वाला डीमैट अकाउंट है, आप किसी में भी कोई भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट वाले में ये बनाओ या सेकंड वाले में वो, आप किसी में भी कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया 9:20, इस वाले में भी हमारा टाइम 9:20, 3 तारीख यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देखो मैं इस वाले में क्या करूँगा, पुट साइड बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हमारी बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही होगी, आपको क्या करना है, उसमें एटीएम पे एक लॉट में बाय कर लेना है। जहाँ पे भी हमारे एटीएम चल रहा है वहाँ पे हमने एक लॉट में बाय कर लिया। अब इससे 500 पॉइंट ऊपर की तरफ आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हम 2 लॉट में क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आप ये 1 डीमैट अकाउंट में बना रहे हो, अब इससे क्या करेंगे हम 500 पॉइंट और ऊपर आ जाएंगे, मतलब आउट ऑफ द मनी 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे हमने ऑप्शन सेल किया उससे और 500 पॉइंट ऊपर आके एक पुट यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो ये आपकी इस तरीके से बन जाएगी, कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सी स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें हम 2 डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक बार देखेंगे बैक टेस्ट करके कि किस तरीके से वो रिएक्ट करती है मार्केट, अगर हमारी ऊपर जाए या फिर नीचे जाए या साइडवेज रहे तो हमें क्या यहाँ पे चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। तो अभी देखो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो इसमें मार्जिन लगा है कितना, 53,136 रुपये का लगा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा एक उसमें दिखा रहा है 9,874 रुपये, और मैक्सिमम इसमें लॉस दिखा रहा है 2,622 रुपये, ठीक है। बस ये हमने एक डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर दिया, कहाँ की तरफ, पुट की तरफ। अब हमें आ जाना है दूसरे वाले डीमैट अकाउंट में, यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम टाइम सेम उस पर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सेम वही पोजिशन बनाएंगे। एक लॉट में हमने बाय कर लिया, उससे 500 पॉइंट नीचे आउट ऑफ द मनी आएंगे कॉल में,
1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमने दो लोट में कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। पहले हमने एक लोट में बाय किया कॉल, अब यहाँ पे एटीएम वाला बाय किया, उससे आउट ऑफ द मनी आके 500 पॉइंट और ऊपर आके हमने दो लोट में कॉल सेल कर दिया। अब जहाँ पे हमने सेल किया उससे 500 पॉइंट और दूर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे एक लोट में हमको ऑप्शन बाय कर लेना है कॉल ऑप्शन। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रेडी होगी। अब देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी होगी पुट साइड वाली और ये होगी हमारी कॉल साइड वाली। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये क्या स्ट्रेटजी हमारी बनके तैयार हो गई। अब अगर मार्केट हमारी चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर बीच में कहीं एक्सपायर होती है तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस कितने हैं। तो दोनों अगर बीच में सेंटर पॉइंट पे एक्सपायर होंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2622 रुपए इस वाले में लॉस हो जाएगा और 3152 रुपए इस वाले में लॉस हो जाएगा। तो अब दोनों को एक बार हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं, मतलब एंड ऑफ द वीक ही कर देंगे डायरेक्ट हम ना, डायरेक्ट इसको हम 6 जुलाई पे लेके आ जाते हैं जो हमारा यहाँ पे एक्सपायरी डे है, और फिर देखते हैं हमें प्रॉफिट दिखा रहा है या फिर लॉस दिखा रहा है, दोनों को लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं पुट वाले को लेके आ जाता हूँ, एंड ऑफ द डे कर देते हैं यहाँ पे। टाइम देखो 15:29 हो गए, इसमें अभी हमें 958 रुपए का लॉस चल रहा है, 998 रुपए का लॉस चल रहा है। इसको डे वाइज हम आगे बढ़ा के सीधा 6 तारीख पे ले आते हैं और देखते हैं मार्केट उस टाइम कहाँ पे थी। तो ये दोस्तों 6 जुलाई आ चुका है, 3:29 हो गए और यहाँ पे हमें क्या हो गया 2622 रुपए का पूरा लॉस हो गया। जो हमने पुट साइड पोजीशन बनाई थी, हमने 2 डीमैट अकाउंट में बनाई, तो पुट साइड वाली जिसमें बनाई थी यहाँ पे हमें पूरा का पूरा लॉस हो गया। अब इसको हम सेम वही क्या करेंगे, दूसरी वाली को जो हमने कॉल साइड लगाया इसको भी एंड ऑफ द डे करते हैं और सीधा इसको 6 जुलाई पे लेके आ जाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए इस दिन इसमें क्या हुआ था। तो अभी देखो 1500 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है, 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया और ये हमारा 6 जुलाई 3:29 मार्केट एक्सपायर हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, एक में हुआ हमें 5348 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले में हमें 2622 रुपए का लॉस हुआ। तो अगर ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, एक में प्रॉफिट हुआ हमें 5348, इसमें प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे अपना लॉस 2622। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया दोस्तों 2726 रुपये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, ये हमारा वीकली प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे इसको दोबारा से, ये हमारा प्रॉफिट हो गया फर्स्ट वाला, तो इसको मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ सो दैट हमें लास्ट में पता लग सके कि ओवरऑल हम कितना यहाँ पे प्रॉफिट में रहे थे। तो फर्स्ट वाले ट्रेड में क्या हुआ हमें 2726 रुपये प्रॉफिट प्लस मैं कर देता हूँ। अब हम करेंगे इसको, अब मैंने क्या बोला था इस वाले को हम एक्सपायर कर दे, इस वाले को हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अपनी पोजीशन को दोनों को। अब हम अप्लाई करेंगे इसको कब, 7 जुलाई को, ठीक है, सुबह 9:00 वही 20 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से इसमें हम क्या करेंगे पुट साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो एटीएम पे एक लोट में बाय कर लेना पुट, उससे 500 पॉइंट ऊपर आके 1, 2, 3, 4, 5 दो लोट में यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल कर देना है। ये मैंने दो लोट में सेल कर दिया, अब जहां पे हमने सेल किया उससे 500 पॉइंट और ऊपर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक लोट में यहाँ पे बाय कर लेंगे। ये हमारी बन गई पुट की साइड। अब हम कॉल साइड भी दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पे टाइम डेट सेलेक्ट कर लेंगे 7 जुलाई और यहाँ पे सुबह 9:20 सेम टाइम पे करना है दोस्तों। उसमें हमने पुट साइड बनाई, इसमें हम कॉल साइड जो भी एटीएम चल रहा होगा एक लोट में बाय, उससे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आके 1, 2, 3, 4, 5 दो लोट में यहाँ पे सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन को 1, 2, 3, 4, 5 उससे 500 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी आके एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी फिर दोबारा से बन के रेडी हो गई। अब एक में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 9470 और यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 3000 रुपए का। अब दूसरे जो हमने पुट साइड बनाई है यहाँ पे 9992 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है और 2500 रुपए लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी हम बैक टेस्ट एक बार करके देख लेते हैं। तो सीधा एंड ऑफ द डे करेंगे और इसको डे वाइज लेके चले जाएंगे 13 जुलाई पे, जिससे कि हमें पता लगे एंड ऑफ द वीक एक्सपायरी डे वाले दिन क्या हुआ था।
तो ये 13 जुलाई आ गए दोस्तों, 3:29 हो गए, मार्केट एक्सपायर हो गई है। यहाँ पे 8,314 रुपए का एक हमें पुट साइड वाली में प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरी वाली में हम देखेंगे, एंड ऑफ द डे कर देते सीधा और इसको लेके आ जाएंगे 13 जुलाई को। तो ये हमारा एक्सपायर हो गया, 13 तारीख यहाँ पे आ गई है, 3:29 हो चुके हैं। इस वाले में हमें क्या हुआ, 3,028 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अभी ओवरऑल अगर निकाला जाए तो एक में 8,314 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,314 - 3,028 - 3,028 ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हमें, 5,286 रुपये का। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड वाले ट्रेड में क्या हुआ, 5,286 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम एक बार बैक टेस्ट करेंगे इससे, नेक्स्ट वाला हमारा वीक उसमें क्या हुआ, दोनों फिर सेम वही करेंगे। इस वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, सेम इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये हमारे 2 डीमैट अकाउंट है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अब हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे के अगले दिन सुबह 9:20 वही जब भी हम स्टडी लगा रहे हैं, 9:20 इसमें हम सेलेक्ट करेंगे 14, मॉर्निंग में 9:20 ये हो गया, दोनों में सेट हो गया, दोनों डीमेट अकाउंट हमारे फ्रेश हो गए। अब दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, इस वाले में पुट साइड कर लेते हैं, एक लोड में बाय किया एटीएम 1, 2, 3, 4, 5 इससे 500 पॉइंट और नीचे आके आउट ऑफ द मनी आके दो लोड में यहाँ पे हम सेल करेंगे और इससे 500 पॉइंट और ऊपर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ द मनी एक लोड में यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडी पुट साइड वाला। अब हम सेम करेंगे कॉल साइड वाले में, टाइम हमारा, टाइम और डेट हमारा सेट है। अब यहाँ पे हम कॉल साइड वाले में एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करना था, एटीएम वाला कॉल ऑप्शन एक लोट में बाय, उससे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आके 2, 3, 4, 5 दो लोट में यहाँ पे सेल करेंगे और इससे 500 पॉइंट जहाँ पे सेल किया 1, 2, 3, 4, 5 एक लोट में बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पुट साइड बन गई और एक कॉल साइड बन गई। अब इनको एंड ऑफ द वीक लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। 20 जुलाई पे सीधा यहाँ पे लेके चलते हैं, एंड ऑफ द डे कर देते हैं और इसको बढ़ाएंगे सीधा 20 जुलाई के लिए। तो इस वाले में दोस्तों हमारा जो पुट साइड हमने बनाया हुआ था उसमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे लॉस हो गया 2625 रुपए का। अब हम कॉल साइड वाले को भी एंड ऑफ द डे करके वीक के एंड में लेके चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या हुआ था उस तारीख को, 20 तारीख को, तो आज 18 हो गई, तो ये हमारा दोस्तों देखो 3:29। तो इस वाले में भी हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 3,045 रुपये का इसमें लॉस हुआ है और 2625 रुपये का इसमें लॉस हुआ है। अगर ओवरऑल लॉस यहाँ पे देखा जाए हमारा, तो एक में 2625 रुपये है और दूसरा लॉस कितना है हमारा, 3045। ओवरऑल यहाँ पे 5670 का हमारा एक ट्रेड में लॉस हो, तो मैं ये भी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस और ये जो प्लस वाला है ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला एक्सपायरी वीक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें देखेंगे हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो इस वाली पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, एक में हमें दो अभी हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं और एक हमारा रहा लॉस में। तो अब हम इसको नेक्स्ट बनाएंगे कब के लिए, 21 तारीख को बनाएंगे 27 तारीख तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइम वही 9:20 सेम हम इस वाले में भी करेंगे 21 तारीख को 9:20 पे मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे इसको हम।
चलिए इसमें हम पुट साइड लगा लेते हैं, तो एक लॉट में बाय एटीएम पे उससे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आगे, 1, 2, 3, 4, 5 दो लॉट में यहाँ पे सेल करना है, और 1, 2, 3, 4, 5 एक लॉट में ये हो गया हमारा पुट साइड वाला रेडी। अब हम सेम करेंगे कॉल साइड वाली अपनी, एक लॉट में बाय करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 दो लॉट में यहाँ पे सेल करेंगे कॉल ऑप्शन को, और उससे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आके 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे एक लॉट बाय करेंगे। तो ये हमारी दोनों फिर से रेडी हो गई हैं। अब हम इनको दोनों को दोबारा से आगे बढ़ा के देख लेते हैं, एंड ऑफ द वीक कर देते सीधा। तो ये हो गया दोस्तों 3:29, 27 तारीख आज हमारा एक्सपायरी डे, और इस वाले में हमें प्रॉफिट हुआ 5,926 रुपए का। अब दूसरे वाला जो हमारा कॉल साइड वाला है इसको भी आगे ले चलते हैं एक बार। ये हमारा एक्सपायर हो चुका है दोस्तों 27 तारीख 3:29, और इसमें हमें क्या हुआ है 1782 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम यहाँ पे कैलकुलेट करें हमारा ये 5926, अब लॉस कितना हुआ माइनस 1782, मतलब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 4144 का हुआ है। तो मैं ये यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, फोर्थ वाले ट्रेड में हमें क्या हुआ है 4144 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे ये कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल, दो प्रॉफिटेबल और ये तीसरा, मतलब हमने ओवरऑल आपको पूरा एक महीने का यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाया। दो डीमेट अकाउंट हमें इसमें चाहिए होंगे, तो इसमें हमें क्या हुआ यहाँ पे अब पूरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2726 रुपये का एक प्रॉफिट, दूसरा हमारा 5286 का प्रॉफिट, और तीसरा हमारा 4144 का प्रॉफिट, ठीक है। अभी लॉस वाले को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इनको कैलकुलेट करें, ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट आया है 2726 प्लस 5286 प्लस 4144, मतलब ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे दोस्तों 12,156 रुपए। अभी हम लॉस वाला इसमें ऐड ही नहीं कर रहे क्योंकि लॉस तो हमारा हो ही गया, छोड़ देते हैं उसको। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 12,200 के करीब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12,200 मंथली प्रॉफिट है। अब दोस्तों मेरे को बताइए, आपने स्ट्रेटजी इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, अगर मैं यही अगर नेक्ड कॉल बाय करता, सेल करता, हाँ उसमें मेरे को पता है कि कभी मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता और कभी क्या होता जो भी मेरी कैपिटल है सारी की सारी यहाँ पे लॉस हो जाती। मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों, मैंने खुद ऑप्शन में ट्रेडिंग की हुई है। मैंने भी पहले स्टार्टिंग में यही किया था, सीधा आया कॉल बाय कर ली, सीधा आया देखा पुट बाय कर ली, लेकिन जैसे ही मेरी अपोजिट डायरेक्शन में गई वहाँ पे मेरे को लॉस दिखाने लगता और फिर मैं उस लॉस को बैठा रहता लेके कि अब कभी ना कभी तो ये प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन होता क्या था, जितना भी कैपिटल मैंने वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ था सारा का सारा एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, सारा का सारा हमारा चले जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी हमने फॉलो की तो आपको पता है, देखो यहाँ पे लॉस भी हुआ तो हमारा कितना हुआ, एक ट्रेड में हमें लॉस हुआ, तीन हमारे प्रॉफिटेबल रहे। कोई कोई आपका मंथ ऐसा भी रहेगा जिसमें आपको चारों प्रॉफिटेबल रहेंगे, कोई कोई मंथ ऐसा भी रहेगा कि आपके दो प्रॉफिट में है और दो यहाँ पे लॉस में है। तो कभी हर तरीके की सिचुएशन आती है दोस्तों, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ कि आपका सारा का सारा कैपिटल जीरो हो गया हो या ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से प्रॉफिट ही लेके निकलोगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा काम करो तो स्ट्रेटजीज पे करो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ समझना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने अपने हमारी वीडियो अब तक देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।